सेक्रेटरीट द यू एन सेक्रेटरीट इज़ हेडेड बाय द सेक्रेटरी जनरल जो यू एन सेक्रेटरीट है उसे किस नाम से जाना जाता है सेक्रेटरी जनरल द सेक्रेटरीट कैरीज़ आउट द डे टू डे वर्क ऑफ द यू एन जो सेक्रेटरीट का काम क्या होता है डे टू डे जो डेली काम होता है उसे देखना है यू एन का इट ऑल्सो कैरीज आउट टास्क एज डायरेक्ट बाय द सिक्योरिटी काउंसिल द असेंबली द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड अदर यू एन बॉडीज़ और क्या काम करती है ये जो भी टास्क इसको दिए जाते हैं और इनको टास्क कौन देता है सिक्योरिटी काउंसिल जनरल असम्बली इकोनॉमिक एंड द सोशल काउंसिल एंड अदर यू एन बॉडीज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टि जस्टिस आई सी जे द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड इन दक इन द नैदरलैंड इट्स द प्राइमरी जुडिशियल ऑर्गेन ऑफ द यू एन जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो कहाँ लोकेटेड है हॉक में ये कहाँ है नदरलैंड में है और ये प्राइमरी जुडिशियल ऑर्गेन है यू एन का इट्स सेटल्स डिस्प्यूट बिटवीन कंट्रीज एंड एडवाइज मेम्बर स्टेट्स ऑन मैटर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ अब ये जो है आई सी जे इसका काम क्या है इसका काम है कंट्रीज़ के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसको सेटल करना द आई सी जे इज़ कम्पोज फिफ्टीन जजेस जो आई सी जे होते हैं होता है उसमें कितने जजेस होते हैं पंद्रह द जजेस आर इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ नाइन ईयर्स और ये जो जजेस होते हैं ये कितने साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं नौ साल के लिए इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ई सी ओ एस ओ सी असिस्ट द जनरल असेंबली इन प्रमोटिंग इंटरनेशनल इकनॉमिक एंड सोशियो कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट अब ये जो इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है ये क्या करती है ये जनरल असेंबली को असिस्ट करती है कि वो जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड सोशियो सोशल कोऑपरेशन और डेवलपमेंट है इसे प्रमोट करें इंटरनेशनली इट ऑल्सो कोऑर्डिनेट्स द नेटवर्क ऑफ एजेंसीज दैट हेल्प द पुअर सिक एंड द इलिटरेट और ये उन एजेंसीज से भी कोऑर्डिनेट करती हैं जो कि इसलिए बनाई गई हैं गरीब लोग बीमार लोग और या फिर जो पढ़े लिखे नहीं हैं उन लोगों की मदद करने के लिए ट्रस्टी शिप काउंसिल द ट्रस्टी शिप काउंसिल वॉज अस्टैब्लिश टू ओवरसी द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेरेटरीज डेट वॉज नॉट फ्री इन दोज डेज जो ट्रस्टी शिप काउंसिल थी वो तब वो क्यों बनाई गई थी वो इसलिए बनाई गई थी ताकि वो देख सके एडमिनिस्ट्रेशन का काम उन टेरेटरीज का जो उन दिनों में फ्री नहीं थी नाउ एज ऑल द कंट्रीज़ आर इंडिपेंडेंट द ट्रस्टी शिप काउंसिल इज नो लोंगर फंक्शनल अब जैसे सारी कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो गई थी आज़ाद हो गई थी तो ट्रस्टी शिप काउंसिल जो थी उसका कोई काम नहीं बचा था एजेंसीज ऑफ द यू एन द एजेंसीज ऑफ द यू एन वर्क ऑन कॉमन वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जो यूएन की एजेंसी है वो किस पे काम करती है जो वर्ल्ड में कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं उस पर मोस्ट ऑफ़ द वर्क्स आर डन थ्रू द सोशल काउं इकोनॉमिक काउंसिल ऑलमोस्ट सारा काम तो कैसे करा जाता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के थ्रू सम एजेंसीज आर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफ ए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आई एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आई एम एफ असट्रा अचीवमेंट्स ऑफ द यू एन आफ्टर सेवेंटी वन ईयर्स सिंस द डे इट वॉज अस्टैब्लिश्ड द यू एन हेज एक्म्पलिश्ड अ लॉट ऑफ कंसिडरेबल अचीवमेंट्स विच हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस टू द वर्ल्ड सेवेंटी वन ईयर्स के बाद भी जब से यू एन को अस्टैब्लिश किया गया है यू एस ने बहुत सारी अचीवमेंट्स हासिल की हैं जिस इट हैज़ बीन सक्सेसफुल इन नॉट ओनली प्रिवेंटिंग अनदर वर्ल्ड वॉर बट ऑल्सो विद द इंटरवेंशन ऑफ द यू एन मैनी सेविंग द लाइव ऑफ मैनी पीपल ये सिर्फ जो यू एन बनाई गई थी ये सिर्फ इसी चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हुई थी कि उसने उन्होंने वर्ल्ड वॉर भी रोक दिया था बल्कि बहुत सारे थे बहुत सारी थी लड़ाइयाँ जो इन्होंने सॉल्व की बिना किसी को मारे बहुतों की लाइफ बचा कर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द यू एन हेज गिवेन टू ग्लोबल पीस इज अनडिनाइबल जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है यू एन ने ग्लोबल पीस पे वो अनडिनाइबल है मतलब इट वर्क्स टू ब्रिंग आउट दिस आर्मेंट एंड हैज़ प्रिवेंटेड द इशू ऑफ यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स यू ने क्या और हेल्प की ज़्यादा डिसआर्मेंट का मतलब है विदाउट द एंड और एंडशन इन द यूज़ ऑफ विड्रोअल ऑफ़ मिलिट्री और वेपन्स एंड हैज़ प्रिवेंटेड द इशू ऑफ़ यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स और क्या प्रिवेंट किया है यू एन ने न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ इंडिया एंड द UN India इंडिया इज़ एक्टिवली in इन ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द in following इन फॉलोइंग वेज जो इंडिया है वो बहुत ही ज़्यादा इन्वाल्व है जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं यू एन की उसमें कैसे हैं बाय गिविंग फुल सपोर्ट टू ऑल द एक्टिविटीज़ यू एन इन प्रमोटिंग वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी जो इंडिया है वो अपना पूरा सपोर्ट देती है हर एक्टिविटी में यू एन की प्रमोटिंग वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी में भी बाय सेंडिंग पीस कीपिंग फोर्सेज डेट हैव सर्वड इन डिफरेंट कंट्रीज लाइक कोंगो, कोरिया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ सूडान श्रीलंका टू रीस्टोर पीस पीस कीपिंग फोर्सिस को भेज के डिफरेंट कंट्रीज़ में जैसे कि कोरिया हो गया कॉन्गो हो गया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ सूडान हो गया श्रीलंका हो गया किस लिए भेजा था ताकि वहाँ पे जो पीस है वो फिर से वापस आ सके बाय एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द रिलीफ ऑपरेशन ऑफ द यू एन एजेंसीज इंडिया ने हमेशा पार्टिसिपेट किया है यू एन एजेंसीज़ ने जो भी जितने भी रिलीफ ऑपरेशन किए उसमें बाय अपोजिंग द सोशल डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ अफ्रीका एंड सपोर्टिंग देयर फाइट टू एबॉलिश अ इंडिया ने सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो हो रही थी उसका विरोध किया साउथ अफ्रीका में और साउथ अफ्रीका को सपोर्ट किया उनकी लड़ाई में ताकि जो रंग भेद पर उनकी लड़ाई हो रही थी वो अबोलिश हो सके